नमस्कार, सलाम अलैकुम। मैं राज त्रिपाठी, जिला जौनपुर से। आजम खान साहब की तबीयत बिगड़ी हुई है और सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि उनके लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आज आजम खान साहब को आप लोगों के दुआओं की बड़ी जरूरत है। क्योंकि आजम खान साहब आज एक मुसलमान होने की सजा भुगत रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इस नफरती खेल में, जिस तरीके से एक धर्म को टारगेट करके देश के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है, ये सोच करके कि मुसलमानों को प्रताड़ित करके जो अंधभक्तों का एक कौम है उनको खुश रखा जा सकता है, ये देश को कहीं और ले जाने की काम कर रहे हैं। इनका कुछ और प्रयास है कि देश कहीं और गलत रास्ते पे चला जाए। लेकिन साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस मंसूबे को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्या समझते हैं अपने आप को, ये जिसको चाहे, जिसको किसी भी आरोप क्या है आजम खान साहब का, आप लोग को पता है, बकरी चोरी, किताब चोरी, मुर्गी चोरी, इस चोरी के आरोप में आजम खान साहब को जेल के सलाखों के पीछे डाला गया है। अरे ये कोई आरोप है? भारतीय जनता पार्टी वालों, तुम्हारे पास कोई और आरोप नहीं है, तुम्हारे पास और कोई आरोप नहीं है। इन छोटी छोटी आरोपों के में तुम दूसरों को जेल में भेजने का काम करते हो। जेल में भेज करके, जेल में बंद करके तुम सोचते हो बहुत बड़े काम कर दिए हो, बहुत बड़े 30 मार खान हो गए हो। अरे जेल में ही तो क्रांति लिखी जाती है, भूल गए? जो जेल गया वो इतिहास रचा है। 1947 के पहले, देश आजादी के पहले भी हमारे वीर क्रांतिकारी जेल गए थे, इतिहास लिखे थे और आपके जुल्म और अत्याचारों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। आप कैसी बात करते हैं? आप सोचते हैं आप जिसके ऊपर उत्पीड़न करेंगे वो उत्पीड़न आपका सहेगा? आपके पास पावर है, आपके पास सत्ता है, तो आप कुछ भी करेंगे? गरीब आदमी का गला घोटेंगे आप? उनके आवाजों, उनके अधिकारों का आप हनन करेंगे? आप सत्ता पा गए हैं तो कुछ भी करेंगे? ये आपकी गलत फहमी है। हमारे वोट से आपकी सरकार बनती है। आज जो आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं ना, ये हमारे वोट से, इस देश की जनता की वोट से आप वहां जाकर बैठे हैं। अगर आपको कोई वोट नहीं देता ना, तो आप सरकार में नहीं आते, सत्ता में नहीं आते, और ना ही आपकी कोई पहचान बनती। किस बात का घमंड है आपको कि आप सत्ता में हो? सत्ता स्थिर नहीं रहती है, और सत्ता जब जाती है तो जितना जाती है आप करते हैं लोगों के साथ में, उतनी जाती आप लोगों के साथ भी होगी। कि जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ भी होगा। आपने आजम खान साहब को बंद करके ये आप सोचते हैं कि मुसलमानों को हम दिक्कत में ला देंगे, मुसलमानों को हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, आप ये सोचते हैं। आजम खान साहब शेर हैं, शेर को कोई बंद नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, आप बहुत परेशान कर रहे हैं, परेशान कर लीजिए, क्योंकि आपको भी परेशान करने वाला कोई ना कोई जरूर आएगा। और जिस दिन आएगा तो आपको भी एहसास होगा इस चीज का कि जो हमने किया है वो हमारे साथ भी होगा। सभी साथियों से कहता हूं कि आप सभी लोग आजम खान साहब के लिए दुआ कीजिए, और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आजम खान साहब को रिहा कीजिए। उनके इतना बड़ा आरोप नहीं है जितना बड़ी आप उनको सजा देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, कर लीजिए मनमानी, हमारा भी समय आएगा, हम भी करेंगे मनमानी। क्या समझते हैं आप अपने आप को? सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आजम खान साहब के लिए आवाज उठाएं, और जो दूसरी चीज, आपके दुआओं के, आपके प्रार्थना के लिए आजम खान साहब को बहुत जरूरत है। आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सरकार उनकी हत्या कराने के प्रयास में है। लेकिन वही चीज है कि आप लोग का दुआओं और आप लोग का आशीर्वाद प्यार रहेगा तो आजम खान साहब का कोई बाल भी बाका नहीं उखाड़ पाएगा। आप बंद करा दीजिए यूनिवर्सिटी, आप बंद करा दीजिए सारे काम। आप सोचते हैं ये सारे काम करने के बाद कोई खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा, शुरुआत होगा, और शुरुआत होगा, जब शुरुआत होगा तो आप उसे अंत नहीं कर पाएंगे। सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक बात पहुंचाएं, और भारतीय जनता पार्टी वालों कर लो तानाशाह, कर लो, वक्त बताएगा। वक्त जब पलटेगा ना, तो तुम लोगों की उल्टी दिन गिनती शुरू।